अल्हम्दुलिल्लाह जी, शादी की तैयारी हमारी हो चुकी है। ये समीना भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। हाँ, सही। तो ये हमारी अम्मा जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम एक और घर में आ चुके हैं। तो इसकी जो खास तौर पे किंगरी है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई है। तो ये हमारी छोटी बहन है। ये जो ना तंदूर के ऊपर अंदर इसने ना क्या होता है, ओपले नहीं, बाल बाल सटी खड़ी सर। ये जो है ना कबूतरों का कुड्डा बना हुआ है। इधर से कबूतरों का कुड्डे का मुंह है। ये देखें, पहले ये बड़ा ऊंचा ऐसे बनाया हुआ था इस भाई ने, तो अभी इसको ना तोड़ दिया है। इसकी अम्मी की जब से डेथ हुई है ना, तब इसने जो है ना इसको तोड़ दिया है। और ये इसकी छत है और ये परनाला लगा हुआ है कबूतरों के खुडे को। चेक करें, ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये लगे हुए हैं जी मुंगरे, मुंगरे। तो यहाँ मेरे ख्याल में अभी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये देखें ना, ये लगे हुए हैं, ये मुंगरे हैं जी, ये ज़बरदस्त। ये हैं जी, अब आ गए हैं हम अपने मामू के घर। ये जो दरवाज़ा है ना, ये हमारे मामू का है माशाल्लाह। यहाँ पे ये जो है ना पौधा, ये है जामुन का पौधा। फ़िलहाल तो छोटा सा है लेकिन अभी बड़ा हो रहा है माशाल्लाह जी। ये देखें, ये पिगियन के बच्चे हैं जी। ये कबूतर होता है ना वो, यार ये इसके सर पे क्या हुआ है? हाँ, सर पे क्या थे इनको? अच्छा, इसको ना इसके मतलब जो और कबूतर होते हैं ना बड़े बड़े, वो उस उन्होंने ना इसके सर पे चूंचे मारी हैं, तो इसलिए ना ये बेचारा इसका सर जो है ऐसे हो गया है। इनके मुँह में कुछ है यार, ये तो काट गए ना। देखें इसके मुंह में ना कोई चीज़ है, ये देखें चिपकी हुई है। हाँ, चिमड़ी पी है। अच्छा, अरहम को बड़े पसंद है ये, है ना अरहम? आपको पसंद है ना ये? हाँ हाँ, अरहम पसंद है आपको? हाँ ये परेशान हुआ है कि ये पता नहीं कैसे हैं। अब बड़ा गंदा इनको ना, इसके सर पे ना कबूतरों ने बड़ा गंदा तुम्बा है। तो ये कुत्ता भी ना ये हमें भौंक रहा है। ये दूसरा जो है ना बड़ा कुत्ता, जो अच्छा वाला होता है, ये वो कुत्ता है। और ये भाई जो है ना उड़ा रहा है कबूतर। ये ना आवाज भी दे रहा है चूं चूं की। और अभी वो गया है, अभी वो गया है और ये निकालने के लिए देंगे। और भी बच्चे आ गए क्या हम? हाँ, चल भी रहा है ना ये अब सारे कबूतर निकाल रहा है जी भाई। ये चेक करें, कुछ ये भी ना आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। कबूतरों के लिए ना इन्होंने ये बाजरा लिया हुआ है और ये मुर्गियां खा रही हैं यहाँ पे। माशाल्लाह कबूतर जो है ना ये काफ़ी सारे हैं, ज़बरदस्त। ये चेक करें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, एक और भी है, ये बच्चा। अच्छा, ही कुनी तुम बया? हाँ, ही कुनी तुम बया। अच्छा, उस उनको तुम बया नहीं, कुनी तुम बया। ये क्यों क्यों नहीं तुम बया हूँ कुन? हाँ, क्या पता कहता, मतलब मुझे नहीं पता। मतलब वो शायद हो सकता है उसकी माँ ना हो। अम्मा क्या नहीं मेरे को दे हूँ दी कि मैं हिंदी अम्मा है। और तुम बया क्यों है ना यार हूँ कुन? चलें जी, अभी वापस रख रहे हैं भाई। माशाल्लाह जी, यहाँ पे जो है जो बबरी होती है ना, एक तो वो लगी हुई है, और यहाँ पे धनिया है, उसके साथ यहाँ एलोवेरा है, और यहाँ थोड़ी सी गाजरें हैं, और ये है लहसुन। हाँ जी अरहम, क्या हुआ क्या हुआ? ये है एलोवेरा। ये बस अब क्या समझाऊँ आपको। तो यहाँ पे बना हुआ है जी किचन गार्डन, माशाल्लाह बहुत ही पसंद आया मुझे। और थोड़ा सा ना वो भी बनाया हुआ है नलके के साथ। माशाल्लाह जी, यहाँ पे ना बेहतरीन एक मज़ेदार किचन बना हुआ है, जो कि मुझे बहुत पसंद है इस तरह का किचन। ये देखें, तो यहाँ पे क्योंकि सर्दी होती है ना, तो यहाँ बाहर जो है ना ये दी हुई है, मतलब लकड़ियों का बना के ना तप्पल वो दी हुई है। ऊपर ऊपर भी ना ये छत डाली हुई है। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और हमारा भी शौक़ है कि हम भी इसी तरह का ना ये किचन बनाएं, जिस तरह ये किंगरियाँ बनी हुई हैं और वो किंगरियाँ बनी हुई हैं ना, इस तरह का। हाँ जी
हाँ यार, एक वो ये बैठा हुआ है, एक वो बैठा हुआ है, वो देखें जी, दो डोगी हैं। चलें अब, ये काट लेगा हमें, वो देखो देख भी रहा है। चलो, वो उसको नींद है। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी देखें और दुआ दिखना, जहाँ मेरे खुश हैं, आबाद हैं, हंसते मुस्कुराते रहें। तो हम अभी आपको बताया, रिश्तेदारों के घर आए हुए हैं। तो ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं जिन जिनके हम घर दिखा रहे हैं। किसी के घर दिखा रहे हैं तो किसी की जो ना घर में चीज़ें जो उगी हुई होती है ना, वो हम दिखा रहे हैं। अभी हम एक और घर में जा रहे हैं, तकरीबन कोई छठा सातवां घर है ना। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशा में कबूल करते हैं। हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से होंगे, लक्ष्य करें हम भी खैर से हैं। और हमारी दुआ हम देखने जहाँ भी हैं खुश रहें, बाद में सभी मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। माहौल बहुत ही पसंद आया हुआ है ना, वो सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है। वहाँ बनाना ना, वो उनकी दीवारें नहीं है, वो नहीं, वो कोई नजर थोड़ी आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ओपरे लगे हुए हैं, ये देखो, क्योंकि जलाते हैं ना यहाँ पे, तो उसका बना हुआ है। और यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, कच्चे घर इस तरह के मिट्टी के, जबरदस्त। हाँ ये देखें, अरे हम चले। हाँ, और ये है जो कबूतर उड़ा रहा था। हाँ, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगा देगी। ये है उनकी बेटी। हाँ, ये छोटी। चलें अब, इधर जाना है, वो कोई घर है। अच्छा, हाँ मम्मी, माशाल्लाह जी, यहाँ पे जो है ना वो बड़ा बना हुआ है जी, बकरियों के लिए ना वो ये सिस्टम। और यहाँ ये दरवाज़ा बना हुआ है, खिड़की का वो होता है ना, खिड़कानी जो खिड़की होती है, उसका निकाल के इन्होंने वो बना दिया, दरवाज़ा बना दिया। इसको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं माशाल्लाह। और यहाँ बकरे वगैरह जो है ना बंधे हुए हैं, और ये बेरी का दरख्त है। तो अभी हम इस घर का आपको ना विज़िट करवाएँगे, जो बहुत ही प्यारा घर है, मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी चलते हैं जी, आपको थोड़ा सा रिव्यू दिखाते हैं। ये तंदूर है? नहीं, खुड्डा है मेरे ख्याल में, है ना, मुर्गियों का खुड्डा है, कबूतरों का नहीं है। ये देखें, ये मुर्गा मुर्गे हैं ना। हाँ, तो अभी और भी चीज़ें काफ़ी सारी हैं जो हम आपको दिखाते हैं। ये जो है ना पिलर बना हुआ है, ये देखें। और ऊपर जो है ना छत छत जो है ना वो डली हुई है, ये पिलर है, और वो भी पिलर बना हुआ है। ये नीचे टोका मशीन लगाई हुई है। तो अभी जो है ना हम आपको ये दिखा रहे हैं जी, ये माशाल्लाह ये बना हुआ है जी, गारा मिट्टी का, ये और ये और वो। तो यहाँ से मिट्टी निकाल निकाल के ना गारा बना रहे हैं, फिर इस घर की ना लिपाई करेंगे सारे घर की। और यहाँ हमारी आंटी हैं जो कि यहाँ रहती हैं इस कमरे में। तो ये तंदूर है, ये देखें, ये तंदूर के जो ऊपर ऊपर से खाने वगैरह टूटे हुए थे ना, उसको इन्होंने रिपेयर किया है। अब जो पूरा गर्मियाँ है ना वो चल जाएगा, और यहाँ पर तंदूर पर रोटी बनाएंगे। और ये इनका किचन है। और अभी ना हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे ये पिलर बने हुए हैं, ये मतलब इन्होंने खुद बनाए हैं। हमारी एक बहन है, वो वीडियो में तो नहीं आती, लेकिन ये सारा उन्होंने बनाया है। ये देखें, ये इसके ऊपर जो है ना पिलर लगा सकते हैं, मतलब इसके ऊपर ना कोई लकड़ी के ना लाकड़ी वगैरह लगा के फिर इसके ऊपर छपरा वगैरह बना सकते हैं, मतलब भैंसों वगैरह को बांधने के लिए ना ये कर सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़, मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं। और दीवार ये खुद दे रहे हैं, वो देखेंगे, जो सिस्टर सिस्टर है ना हमारी, ये गारा वगैरह उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये खुद दे रही है दीवार। और ये चेक करें, ये इन्होंने, ये दीवार टूटी हुई थी इन्होंने इनकी, फिर दीवार भी ये खुद गारे बना बना कर ना दे रहे हैं। मुझे ये चीज़ जो है ना बहुत पसंद आई। हाँ जी अरहम, ना करो, गिर जाएगा अरहम। हाँ वो कुत्ता है, वो देखो, यहाँ पे हर के हर बंदे के घर में एक डॉगी है, आई समझ। हाँ, काटते हैं, पढ़ते नहीं होते। अभी जी हम यहाँ पे जा रहे हैं इस पतली सी गली में। तो अब पता नहीं वो समीना यहाँ आगे जा रही थी, पता नहीं वो सीधी गई है या ये घर है इधर गई है, अब मुझे नहीं पता। मैं तो ये एक घर ये है और सीधा भी है। अब पत्नी समीना किस घर में चली गई है, वो साथ बाजी थी, कुत्ता वगैरह ना हो अब इसमें। वो है वही, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्यारा जो है ना वो गाय का जो है ना बच्चा खड़ा हुआ है, कितना माशाल्लाह क्यूट है ना आराम। हाँ जी, और घास भी खा रहा है। आज इस पूरे व्लॉग में आपको बहुत ही अच्छा अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी ना अरहम। हाँ, आज अच्छी वीडियो बनेगी ना। नहीं मारता, ये बहुत ही प्यारा सा है, ये देखो
नहीं मारता ये बिल्कुल। ये कहता है कि मैं ना खाऊं दूध पीऊं, वो समझता है कि मेरी अम्मी का दूध है ये, आई समझ। हाँ इसलिए ना ये ऊपर ऊपर मुंह करता है, कहता है मैंने ना खाना है, ये देखो वो घास खाए ना, बहुत ही प्यारा है। और ये इसकी अम्मी खड़ी हुई है, बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये धुआं और निकला हुआ लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है। और यहाँ खजियाँ वगैरह हैं, खजूर के दरख्त हैं, माशाल्लाह। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के, और आप सबको आज हम इंजॉय करवाएंगे, बहुत ही प्यारा प्यारा माहौल दिखवाएंगे, ठीक है हम। हाँ जी ये देखें कितना पुरसकून माहौल है, और बिल्कुल विलेज टाइप के घर हैं जो कि हमें बहुत पसंद है, इस तरह के घर। सलाम अलैकुम। आपको हाथ मिलाती है, हाथ मिला मेरे को, चल शाबाश। माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना ये सुहांजने का दरख्त है, ये काफी अच्छा लगा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे ये चीज दिखवाता हूँ, ये खजियाँ देखें, ओए कितना प्यारा प्यारी हैं खजियाँ। और यहाँ दो तीन डॉगी बैठे हुए हैं, ये चेक करें। तो यहाँ घर जो है ना लंबे लंबे घर हैं लेंथी, और यहाँ पे खुला खुला माहौल है यहाँ पे देखें, तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह के घरों में ना। टूट निकले ना ये टूटा हुआ है, वो जो है ना वो उसमें रहते हैं। और बाकी ये इतने बड़े बड़े वेड़े हैं, और यहाँ पे जानवर वगैरह थोड़े बहुत बंधे हुए होते हैं बस। और ये इनका यहाँ पे नलका लगा हुआ है, ज़बरदस्त। ये डॉगी हमें बार बार भौंक रहा है ये, क्योंकि हम नए बंदे हैं ना इसलिए। और ये मुझे ख़ास तौर पर खजियों का झुरमट बड़ा पसंद आया। हाँ हाँ सही। तो ये हमारी अम्मा जी हैं, तो हम इनके घर में आए हुए थे, और यहाँ से हमने ना सुहांजना भी तोड़ा है। तो ठीक है अम्मा साहब, मेरे पैसे वाला बस हूँ 5-6 घर पहले फिरे से बेबी फिरने। ठीक है अल्लाह दी अमान, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे नीचे करके लगाया हुआ है जी टोका मशीन, तो यहाँ पे जब इसको चलाते हैं ना तो फिर नीचे इसके मेरे ख्याल में चले जाते हैं, और यहाँ बैठ के ना इसके आगे घास देते हैं, और फिर यहाँ पे इसको काटते हैं। अरे हमने देखें जी गठड़ी उठाई हुई है सुहांजने की, है ना। हाँ और ये इनका घर है, एक और घर में हम आए हैं, तो ये देखें जी। माशाल्लाह ये यहाँ पे जानवरों वाला घास काटते हैं। हाँ जी हाँ जबरदस्त। तो ये हमारी छोटी बहन है, ये जना तंदूर के ऊपर अंदर इसने ना क्या होता है ओपले नहीं बाल सटी खड़ी सर की हम कहते हैं बाल सटन। हाँ उसका ख्याल करना नीचे ना पड़े। हाँ ये नीचे मशीन का खड्डा है ना, यहाँ पे गिरने का खतरा है। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे ओपलों के साथ ना यहाँ पे इसको गर्म किया जा रहा है तंदूर को। हाँ। तो हम भी इंशाल्लाह लगाएंगे तंदूर अपने घर में, ठीक है, और फिर रोटी खाएंगे। और यहाँ पे बकरियाँ हैं जी माशाल्लाह, ये हैं राजनपुरी हैं, पता नहीं कौन सी हैं, लेकिन माशाल्लाह अच्छी जो है ना वो नस्ल की बकरियाँ हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम एक और घर में आ चुके हैं, तो इसकी जो ख़ास तौर पे किंगरी है ना ये मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ ये यहाँ पे ना लेपा होता है चोपा होता है वो दिया हुआ है। हाँ वो किचन है ना, आओ देखते हैं किचन। और यहाँ मुंगरे इन्होंने रखे हुए हैं मेरे ख्याल में पकाने के लिए। हाँ यहाँ पे ना ये इस तरह की चीज़ें ना ये खुद ही इन्होंने उगाई हुई होती हैं घर में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो खुद घर में उगाई हुई चीजें होती है ना वो बड़ी अच्छी होती हैं, और उनका टेस्ट भी वहाँ पे ऐसा बनता ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं बनता हमारे पास, बनाने वाला बंदा हो तो बनता है। और ये तंदूर भी मैंने कसा किया है। हाँ ये देखो जबरदस्त। तो यहाँ ऊपर बबरी का बीज पड़ा हुआ है। हाँ, और यहाँ से अगर देखे ना शाम का मंजर तो बहुत ही जबरदस्त लगता है, ठीक है। हम दोबारा से तार की जो वो थी ना हमारी तार उधर से वो उसको सर्च कर रहे हैं, क्योंकि रात 10 बजे के दरमियान न्याज वाले कमरे में ना अबू के घर वायरिंग जल गई है। तो हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं तार स्पार्क कर रही है, आपस में मिल रही है, जिसकी वजह से वो वायरिंग वगैरह जल गई है, आग लग गई है उसको। तो अभी भाई जो है ना ताहिर भाई आए हुए हैं हमारे पास, इनको हमने कहा था कि आप देखें ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो उधर मस्जिद की वायरिंग भी हमने इनसे करवाई थी, और मेरे अब्बू के घर की वायरिंग भी ये करके गए थे। मतलब ये हमारे हमसाए भी हैं वैसे, तो हमने इनको जो है ना बुलाया है, और ये अभी देख रहे हैं।
उधर से तो मेरे घर से लेकर अबू के घर से तक तो कोई इशू नहीं है, तार बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी आगे चल के देखते हैं जी क्या मसला है। और इधर सुहाजने के दरख्त के ऊपर ऊपर भी ना वो कनेक्शन है उसका, तो क्योंकि जो जोड़ है ना, जोड़ के अंदर ही कहीं पे टच हुई है आपस में और ये जली है वायरिंग। तो अभी तो यहाँ पे तो यार हमने नहीं छेड़ा था नियाज, यहाँ पे हमने ना नहीं छेड़ा तार को, यहाँ पे स्पार्क नहीं कर सकती ना। तो अभी जो सुबह हो चुकी है, हम वहां पे गए थे रिश्तेदारों के यहाँ, तो वापस आ गए थे फिर रात को मगरिब के टाइम। आज हम जा रहे हैं शादी पे, तो आप सब ने हमारे साथ रहना है। अगले व्लॉग जो है वो सारे शादी के आएंगे इंशाल्लाह, हमारे भाई की शादी है। तो फटाफट समीना जो है यहाँ पे कपड़े धो रही है अपने, तो ये जल्दी जल्दी धो के ना फिर इसको धूप पे डाल देगी ताकि ये सूख जाए, फिर हम 10-11 बजे रवाना हो जाएंगे, मैं समीना और मेरी मामी जो मेरे अब्बू के कज़न है ना चाचू, वो उनकी वाइफ है मामी हमारी, तो वो और मैं और समीना जा रहे हैं शादी पे। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मिलेंगे। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ चाय, हाथ मिला दे मिला दे मिला दे, चाह पिला दे चाह चिलाची तू मेरी चाची, हाथ मिला दे चाह पिला दे चाह चिलाची तू मेरी चाची। ओए ओए हाँ सोने ना खा जाएंगे, चाय यहाँ गिर गई है समीना, समीना चाय गिर गई है। हाँ यार तेरे को पहले पता था मुझे पता था ये गुस्से होने वाली है, तो मेरी गलती है कि मैंने इसको इस पे ना गौर नहीं किया, जिसकी वजह से ना ये चाय उबली है और गिर गई है। वैसे भी मैं इसको इसका इंतजार कर रहा था कि उबलेगी और मैं इसको कंट्रोल करूंगा, जब मैं इसको गौर कर रहा था उस वक्त नहीं उबली, जब मेरा ध्यान भटका तब ये उबल पड़ी। यही चाय के जो है ना चक्कर होते हैं, चक्कर बाजियां होती हैं चाय की। अच्छा जी ये जो है ना एक घर था, तो इधर हमने एक नलका लगवाया है, ये अभी चला रहे हैं, इसको सफ़ा वगैरह कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सुबह फिर इसका खुरा वगैरह बन जाएगा। ये हमारी सिस्टर हैं ये वो उनका नाम है सिद्रा काशिफ, तो उन्होंने जो है ना ये नलका लगवाया है अपने सवाब के लिए, ये सदका जारिया होता है, तो ये चलता रहता है जब तक तब तक उनको सवाब मिलता रहता है पानी का, जो पानी का बहुत बड़ा सवाब होता है, तो मैंने कहा आप सबको भी दिखवा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम पहुँच चुके हैं जी मदरसे अपने में, तो माशाल्लाह काम काफ़ी हो चुका है। अभी आपको दिखवाते हैं कि ये ऊपर वाला जो फ्रंट है ना ये यहाँ तक पहुँच चुका है, बाकी थोड़ा सा बच रहा है, ये भी हो जाएगा सर जी आज, ये पूरा हो जाएगा। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। हाँ तो वो दीवार भी आपको मैंने पहले दिखाई थी, ये सारा हिस्सा हो गया है, बस ये भी इंशाल्लाह आज यहाँ तक हो जाएगा, बाकी जो हमारा बचेगा ना वो ये वाला फ्रंट बचेगा, ये वाला फ्रंट बचेगा इंशाल्लाह, फिर कल या परसों कल आएंगे और ये फ्रंट करेंगे, फिर उसके बाद पिलर बचेंगे, फिर पिलर भी एक दिन का तकरीबन काम है, तो एक दिन के अंदर ये पिलर होंगे, क्योंकि इसकी धारें वगैरह होती हैं ना ब्रेक ब्रेक, पिलरों पर टाइम लगता है कुछ, तो बाकी दो दिन का काम बचा हुआ है प्लस्तर का, उसके बाद इंशाल्लाह फर्श हमारा शुरू हो जाएगा, तो फर्श के बाद हम भी ईजी मदरसे वालों के हवाले बच्चों के हवाले इंशाल्लाह फिर हम अपने कामों पे चल जाएंगे, और जिन्होंने तावुन किया जिन्होंने बनवाया उन सब के लिए इंशाल्लाह यहाँ बच्चों को बिठा के दुआ भी करवाएंगे। तो आप सबने हमारे साथ रहना इंशाल्लाह, देखते रहना है कि आगे आगे क्या होता है। वो तहरीम बीबी आ गई है यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाओ, दूसरा दूसरा वो हाथ हाँ ये चीज, ये चोटी मुझे देती है, चोटी मैं ले लूँ, हाँ चोटी महंगी ना, चोटी महंगी ना या ये जो है ना चोटी मुझे नहीं दे रही। और अभी अली भी यहाँ पे आया हुआ है और हम के साथ खेलने के लिए, क्योंकि कल हमने ना एलोवेरा लिया था जहाँ पे हम गए थे ना वहाँ पे, तो फिर हम एलोवेरा रात को अली के घर भूल गए थे, फिर अली सुबह देने आया है। हाँ अली देने आए हो, हाँ अली मुझे देने आया है जी एलोवेरा, ये अरहम का दोस्त है क्योंकि इकट्ठे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो फिर इनकी दोस्ती है आपस में। और ये था वो एलोवेरा जो कि हमने इसको उगा दिया है, अब मुझे नहीं पता ये सही उगा हुआ है या गलत उगा हुआ है, आप सबने मुझे गाइड करना है,
तो अभी कॉल भी आ गई है, पता नहीं किसकी है। मैंने ये वाले जूते पहने, तो ये मैंने लंदे से कुछ दिन पहले लिए थे, बल्कि सर्दियों में लिए थे, तो ये जो है ना मुझे रास नहीं आई, ये बुरे लग रहे थे, क्योंकि शादी पे जा रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगना चाहिए बंदा। तो फिर मैंने दूसरे जूते निकाले अपने, तो जूँ ही वो जूते निकाले तो उसका जो नीचे वाला तला था ना, ये निकल गया। तो ये भी मेरे लंदे के जूते थे, अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से थे। ये पड़े हुए हैं, ये इसका जो है नीचे वाला सफ़ेद जो तला, ये निकल गया। फिर मैं इसको इसी भी लगाई लेकिन फिर भी नहीं खड़ा, तो दूसरा देखें वो लगा हुआ है। तो फिर मैंने इसको जो है ना वो रख दिया। फिर मैंने अपने पुराने जूते जो है ना, ये वाले सैंडल जो थे, ये मैंने निकाले, तो ये अब ये देखें बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। तो मैंने फिर ये जो है ना पहने, इनको पहले मैंने सरफ़ और ब्रश के साथ इसको रगड़ा, खूब रगड़ने के बाद ये हो गया जी साफ साफ। फिर मैंने इनको पहन लिया, अब देखें अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो अब जो है हम फुल तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ समीना की तैयारी भी हो चुकी है, अरम की तैयारी भी हो चुकी है, और जो ही वो आते हैं फिर आपको दिखाते हैं उनकी तैयारी, उसके बाद फिर इसी व्लॉग एंड करेंगे फिर चलेंगे। तो फिलहाल अभी इनकी तैयारी ना वो हो रही है अंदर। अभी हमने जो ही यहाँ से निकलना है, तो हमने जो एक दुकान है यहाँ पे, जो मिस्त्री हमारा मदरसे का काम कर रहा है ना, तो वो उसने कहा था कि मेरे पैसे जो है ना कुछ दे दीजिएगा इधर दुकान वाले को, मैं आऊँगा वापस उससे ले लूँगा, क्योंकि मैं गया था मदरसे वहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने कहा चलो आप, मैं वापस जाता हूँ, फिर मैं उसको दुकान वाले को दे दूँगा। तो अभी जाएंगे और उस दुकानदार को जो है ना उसकी कुछ पैसे देंगे, क्योंकि उसने ख़र्चा मांगा है, तो वो कोई उनकी उसके भाई की ना कोई खैरात वगैरह है, तो उसने कहा मैंने सामान वगैरह लेना है। तो अभी चलते हैं, तैयारी पता नहीं अब कब होगी इसकी, क्योंकि आपको पता है जो हमारी औरतें होती हैं वो तैयारी उनकी कुछ ऐसा ही होती है। अब इसने तकरीबन एक घंटा लगाया है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, फिर कभी जो है ना ये मेकअप करती है, फिर उसको धो देती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर करना शुरू कर देती है, फिर लिपस्टिक नहीं लगाती, फिर कहती है मैं आधे घंटे बाद फिर लिपस्टिक लगाती हूँ, फिर अरम को तैयारी करना शुरू जाती है। यार अली करें तो क्या करें यार, आपने शादी नहीं करनी अली ठीक है हाँ हाँ, क्योंकि आप देखें ना ये यार हम तो भुगत रहे हैं ना यार, आप तो ना भुगतो ना अली, अली भाई देख लो यार हाँ तो यहाँ तहरीम भी ना खेल रही है, तहरीम भी हमारे साथ जाएगी वहाँ शादी पे, है ना तहरीम, चलना है शादी पे, हाँ शादी पे चलना है ना, हाँ जी ये शादी पे जाएगी, कहती है हाँ मैं जाऊँगी ठीक है हाँ, इसको भी तैयारी कम करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी शादी की तैयारी हमारी हो चुकी है, ये समीना भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, और अभी आपको हम मिलेंगे शादी पे। तो पजामा आपने नहीं क्लोज करवाया फिर, हाँ तो इसकी तैयारी जो है ना माशाल्लाह जबरदस्त लग रही है। तो आप सबने इंतजार करना है हमारे शादी के व्लॉग का, तो अभी इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं जी, मिले कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखेगा, तब तक जी अल्लाह हाफिज़, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ जी।